अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी, अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन। सच कहा बेटा तूने, हमें बहुत कुछ सीखना होगा इस नन्ही सी बच्ची से। समीर तू यहाँ? यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ जाऊंगा? क्या वो मान जाएंगे? अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो? तो क्या? तो माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर ये शादी अधूरी है। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो और समीर के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है। चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ। नहीं मैं यहीं सोऊंगा, आ जाऊंगा आपके साथ। अभिषेक बेटा चलो। आदित्य मैं समझ लूंगा। पक्का? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतनी की शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हें देख जीने की उमंग जाग गई। कैसे कहूं कि मरता रहा मैं तुझ पे बार बार। I love you, Arti. I love you so much. बच्चे चले गए। ज्वेलर्स को दे दिया, फिर खाने वाले का वो भी दे दिया, बचे 5,000 ये टेंट वाले को दे दिया। विद्या? हाँ कुछ नहीं रहने दो।
सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आज भी समझ नहीं पाया। ये अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वैसे तो तुम मुझे सिर्फ अभिषेक का पिता मानती हो, और फिर करवा चौथ का व्रत रखती हो। ये मेरा फर्ज है आदित्य, और फर्ज क्यों निभाया जाता है ये तुम मुझसे ज्यादा समझते हो। हाँ आदित्य, तुम सही समझ रहे हो। मेरी आंखों में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो प्यार ही है, पर फिर भी मैं तुम्हें अब आगे कुछ मत कहो, इतना काफी है। मम्मी मैं वहां नहीं सोऊंगा। अभिषेक, तुम ही ने तो कहा था कि मैं आरती बुआ के पास सोऊंगा। हाँ, पर अब नहीं सोऊंगा। वो बड़े लोगों वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर तुम यहाँ सो जाओ। हाँ चलो। I love you, Vidya. Antra? आदित्य, तुमने सुना अंतरा ने क्या कहा? अंतरा बेटे एक बार फिर से बोलो। I love you, Vidya. I love you, Vidya. आदित्य, देखा, अंतरा ने मेरे नाम के साथ खुद ही तीन शब्द और जोड़ दिए। मम्मी मैं भी बोलूंगा। I love you, Vidya. I love you, Vidya. आदित्य वर्मा जी, वर्मा जी, अरे कहाँ हो? दामोदर भाई, आप मैं। अच्छा हुआ कि तूने मुझे पहचान लिया, मुझे लगा मेरा नाम बताने की जरूरत पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने लोन लिया है आपसे, कैसे भूल सकता हूं मैं आपको? अरे भूल नहीं सकता तो इस महीने का बैच क्यों नहीं दिया? अब दे दूंगा, जल्दी ही दे दूंगा। मुझे मेरा पैसा आज पर अभी चाहिए। चल निकाल। दामोदर भाई, अभी तो कैसे हो सकता है? मेरा मतलब देखिए, मैं क्या देखिए बे, क्या दिखाएगा तू, क्या करेगा तू? बल्लू बल्लू बल्लू। एक देखिए, आप जरा धीरे बोलिए, घर में सब लोग सो रहे हैं, प्लीज। बल्लू जा जा अंदर जा, सबको जगा दे जा। दामोदर भाई प्लीज, अब हम लोग दो मिनट नीचे जाकर बात कर सकते हैं, प्लीज। चल।
ए जल्दी चल आदित्य। हाँ चल बोल बोल क्या बोलना है। देखिए दामोदर भाई इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। अबे पैसे नहीं है तो नीचे क्यों बुलाया भाई, भेजू क्या इसको ऊपर? देखिए आप ये सही नहीं कर रहे प्लीज। ए अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे साथ तेरे बीवी बच्चों को भी यही खड़ा कर दूंगा। ए दामोदर भाई देखिए मैं आपके पैसे दे दूंगा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए कुछ। ये कुछ दिनों की मोहलत वोलत हमारे में नहीं चलता समझा ना, कब देगा पैसे मेरे? मैं अब दस दस दिन सिर्फ दस दिन याद रहेगा ना आदित्य? दस दिन के बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो समझता है ना मैं क्या करूंगा। दस दिन बाद मैं वापस आऊंगा, मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए समझा क्या? चलो रे पैसा लेने आए थे, चले गए। मैंने उनसे 10 दिन का वक्त मांगा। 10 दिन? तुम 10 दिन के बाद कहां से लाओगे पैसे? वो मैं कुछ सोच लूंगा, लेकिन इस बात का समीर और आरती को पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग अपने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। खाओ ना शुरू करो। क्या हुआ आदित्य? कुछ नहीं। देख एक बार फिर सोच ले, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, तुम लोग के साथ में चलोगे तो आउटिंग हो जाएगी, अच्छा मौका है। सोच लिया। अरे वाह फिर तो बहुत अच्छी बात है, भाभी पैकिंग वैकिंग शुरू कर दो। अरे हमारे जाने का नहीं, तुम लोगों को भगाने का सोच लिया। क्यों भाभी आप समझा ही नहीं सके, चले हमारे साथ। एक मिनट इधर आ, कहीं पैसे की वजह से तो नहीं है ना? बहुत पैसे है तेरे पास। मेरे पास भी है समझा? नहीं है समीर, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है अंतरा की थेरेपीज की, अभिषेक के स्कूल की, इन सब चीजों के लिए यहां रहना पड़ेगा। मैं तुम लोग जाओ जाकर घूम के आओ। आदित्य भाभी आप दोनों साथ चलते तो सच में बहुत मजा आता। हाँ फिर कभी अगर भगवान ने चाहा तो। आरती मैं देखती और दो पराठे भी।
नमस्ते समीर जहां जी आइए नहीं हम अंदर नहीं आएंगे उसे बाहर भेजो अंकल आंटी आप अंदर तो आइए समीर समीर मॉम डैड अब अपने बेटे से मिलने के लिए हमें दूसरों के घर आना पड़ेगा मॉम ऐसी कोई बात नहीं है आप लोग अंदर चले ना तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें ऑफिस में रात भर काम करना है मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन करके पूछा था पता लगा कि तुम वहां गए नहीं हो तो ये है तुम्हारा ऑफिस डैड प्लीज अंदर चल के बात करते ना आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हें इनकी इज्जत की फिक्र है और हमारी हमें भी तो बेइज्जत किया था मॉम आप लोग बाहर खड़े रहेंगे तो आप ही की बेइज्जती होगी डैड प्लीज अंदर आइए से बात की उसके बाद से उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है और अगर उन्हें शादी वाली बात पता चल गई तो हाँ आरती आज नहीं तो कल ये बात तो पता चलेगी डैड प्लीज मेरी बात सुनिए मुझे ये बताओ समीर कि तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं डैड मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं लेकिन आरती भी साथ आएगी उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं डैड मैं जा रहा हूँ आरती भी वहीं रहेगी क्यों क्यों रहेगी वो तेरे साथ एक लड़का और लड़की ऐसे एक साथ नहीं रह सकते हाँ मॉम लेकिन एक पति और पत्नी तो रह सकते हैं ना अब कुछ भी सवाल नहीं बचे मेरे पास चलो समीर की मां यह समझ लो कि तुम्हारे नसीब में औलाद और पोते पोती का सुख नहीं है आज हम तुम्हारा घर छोड़ देंगे समीर अब तुम जहां चाहो रह सकते हो जिसके साथ भी चाहो रहना चलो समीर की मां पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए उस दिन पार्टी में मैंने आपका दिल दुखाया था और अब समीर से शादी करके मैंने आपको दोबारा नाराज कर दी प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा प्लीज मेरी बात सुनिए पापा समीर वो जा रहे हैं बात सुनो मेरी आरती आरती प्लीज मत रो चुप हो जा भाभी उन्होंने मुझे माफ नहीं किया अब उनका आशीर्वाद मुझे कभी नहीं मिल पाएगा ऐसा नहीं कहते आरती सब ठीक हो जाएगा